हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं यूसुफ मुस्तकीम, आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हावड़ा बार लवर्स एंड भिड़त। तो फ्रेंड्स, आप में से जो मेरे चैनल पर नए हो, अभी कभी सब्सक्राइब कर दिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि मैं दूसरा कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं एक तो नया ब्रीडिंग सेटअप बनाने जा रहा था, तो ऑलरेडी बना चुका था, उसका लिए केज भी आ चुका है, उसका स्टिक वगैरह, फिटिंग बॉल सब कुछ आ चुका है। बट वो केज क्या है, मेरा इस ब्रीडिंग केज का अंदर नहीं था, वो थोड़ा दूसरा जगह था। तो मैं सोचा दूसरा जगह बनाऊंगा तो इधर भी मेंटेन करना होगा, उधर भी मेंटेन करना होगा, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता, मतलब परेशानी बढ़ जाता। तो फ्रेंड्स, क्या किया, मेरा जो पुराना बर्ड्स का ब्रीडिंग सेटअप था उसको मैं थोड़ा सा बदलाव लेके आया हूँ। देखिए क्या बदलाव लेके आया, वो शेयर करूँगा। मेरा इस पुराना ब्रीडिंग सेटअप का अंदर एक इधर पार्टीशन था, वो पार्टीशन को मैंने खोल दिया। खोलने के बाद मैं थोड़ा केज का पोजीशन चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मेरा सब ग्रे पेयर इधर आ चुका है। इससे पहले भी एक बार अंडा ले किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस अंडा से चिक्स बाहर नहीं आया, मतलब वेदर खराब था, बच्चा अंदर ही डेड हो चुका था, मतलब जिसको बोलता है सेल इन डेड। देखिए मेरा रेड ग्रीन भी आने का कोशिश कर रहा, उधर भी एक रेड ग्रीन है। चलिए, इसलिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ, मेन मुद्दे पे चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जितना भी नया केज था सब इसका अंदर आ चुका है, एक केज अभी भी आने में बाकी है, वो बाहर है, उसको मैं इस पोजीशन पे सेट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं कुछ सनचिक्स बर्ड्स लेके आया हूँ, जिसको मैं ब्रिड पे बैठाऊँगा। देखिए संचिक का कलर ओरिजिनल, फ्लैश लाइट का वजह से इसका कलर ठीक से नहीं आ रहा था, मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था ये क्या हो रहा, ये संचिक तो पाइनएप्पल लग रहा। ये सब भी बर्ड्स विथ डीएनए है, मैं बाजार से खरीदा हूँ, इसको मैं अपना अवियरी में ब्रीडिंग में बैठाऊँगा। उससे पहले मैं ये सबका री डीएनए कराऊंगा, मतलब दोबारा मैं फिर से डीएनए बनाऊंगा। क्यों, मैं कोई भी बर्ड्स अगर अपना घर में रखता हूं, उसको ब्रीडिंग पे बैठाता हूं, तो उसको मैं डीएनए अपने हाथों से एक बार कर लेता हूं। क्या है, उसका जो है मेल फीमेल कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज़ एक साल बाद हमको पता चलेगा दोनों मेल है या फीमेल है, तब जाके बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इस बर्ड्स का कलर तो बहुत ही अच्छा है, बाकी सब नॉर्मल है, बट एक का कलर बहुत अच्छा है। इधर पर मेरा कोई सनकोनल्स का बच्चा है, घर में रहे को ग्रे का मेल है। इधर पर मेरा एक लिक्टस का प्यार है। ये दोनों बर्ड्स टेम्ड है। इसमें एक पाइनएप्पल शायद अंडा ले किया होगा, कि काफी दिन से इसको मैं नजर रख रहा था, एक बार देख, नहीं अभी तक एक तो नहीं ले किया। ये फीमेल बाहर आ चुका है, इसका तावा भी एकदम पूरा भारी है,
एक दो दिन में अंडा दे देगा। इस मेल के लिए मुझे फीमेल चाहिए, एडल्ट फीमेल। इसका फीमेल मेरा पास एक्सपायर हो चुका है। अगर किसी का पास इसका फीमेल होगा तो उसको मेरे साथ तो कॉन्टैक्ट कीजिए और उसको मैं बाज़ार से ज़्यादा दाम दूंगा। मतलब कोई अगर मुझे एक एडल्ट फीमेल दीजिएगा तो मैं 90,000 पे करूँगा उसके लिए। हाँ, एक फीमेल के लिए मैं 90,000 दे सकता हूँ। एडल्ट फीमेल चाहिए मुझे ग्रे का। चलिए, कुछ इधर भी कुछ चिक साइज आया था। हाँ, साइज क्या ऑलरेडी है कुछ। चार चिक्स हुआ था इसका, बट एक चिक्स एकदम पहले ही मर गया। अभी तीन पूरा सही सलामत है। और एक खुशखबरी है फ्रेंड्स, मेरा एक ब्लू येलो साइडेड ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। ये भी काफ़ी दिन से मेटिंग कर रहा था, मैं देखा हूँ। अभी तक अंडा नहीं दिया ना, अभी तक अंडा दिया नहीं, बट ये भी एक दो दिन में दे देगा। ये सीबीसी तो काफ़ी पुराना है, इतना दिन में ब्रीड कर देता, बट अभी तक ये ब्रीड नहीं किया। चलिए, आज नहीं तो कल करेगा, जाएगा कहाँ। ओह, ब्लू येलो साइडेड का चिक्स बाहर आ चुका है और मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। देखिए, क्या है, कम बेसी सभी का तो बच्चा होता है, पर ब्लू येलो साइडेड का जब बच्चा होता है ज़्यादा ही खुशी मिलता है। देखिए, ए ब्रीडिंग केज अभी भी अंदर जाना बाकी है। इसको भी मैं कल ले चला जाऊंगा, क्यों इसको आज पकड़ने वाला कोई नहीं है मेरे पास। इसको दो आदमी लगेगा पकड़ के घुसाने में। और ये जगह में हम सोचा था ब्रीडिंग सेटअप बनाऊंगा, बट अलग अलग जगह बनाने से अलग अलग परेशानी होता है, इसलिए मैं वो जो मेरा ब्रीडिंग सेटअप था पुराना वाला, उसका एक तो सेटअप था, उसका एक तो पार्टीशन था, उस पार्टीशन को काट के मैं एक तो बड़ा हॉल बना दिया। अब इस हॉल के अंदर जितना भी बर्ड्स रहेगा सबका ब्रीडिंग मैं बैठा दूंगा। ऑलरेडी ब्रीडिंग बॉक्स मेरे पास रेडी है। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।